True love never dies because बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो को क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में अभी वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे वीएन ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीएन ऐप को ओपन कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, न्यू पैक पे आना, फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने फोटो पे आना है और यहाँ पे एक फोटो को चूज कर लेना है जिस भी पर्सन की अपनी वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो गाइस फोटो आ चुकी है। क्या करना है आपने, इसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, लगभग आप 10 सेकंड के अराउंड कर देंगे। और क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल से। तो एक्सपोर्ट कर लेंगे फटाफट। तो गाइस एक्सपोर्ट हो गया, क्या करें हम इसको बैक करके दोबारा से हम इसमें ये जो हमने एक्सपोर्ट करी है वीडियो, इसको हम दोबारा इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे न्यू पैकेज पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे हम ये जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट करी है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। और तो यहाँ पे देख सकते हैं हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये आ चुका है। आप ऊपर ऑनियर पे क्लिक करके 9016, नीचे क्रॉप पे क्लिक करके 9016, ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे आएंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो वीडियो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ये वाली। तो इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली वीडियो, इस पर क्लिक करके जैसे आप ओके निशान पे क्लिक करोगे आपको दोस्तों म्यूज़िक है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ यहाँ पे बीट वगैरह भी हैं, तो इसकी ये जो बीट वगैरह मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना आप लोगों ने। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको जहाँ पे बीट दिख रही है उसको नीचे सिंपल से स्प्लिट कर देना और सब में यहाँ पे कट लगाते आना है इस तरीके से, ठीक है। इस स्टेप से आपने यहाँ पे सब में जो है कट को लगा देना है, ठीक है, इस स्टेप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं गलत कट लग गया है, इसके नीचे हम लगाएंगे एंड इसके नीचे लगाएंगे इस तरीके से। तो इतना करने का दोस्तों क्या करना है, इसमें लगाएंगे हम कट वगैरह, इफेक्ट वगैरह। तो मैं पहले इफेक्ट लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बता दूँगा आपने कौन कौन से इफेक्ट कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तुमने यहाँ पे आप देखा होगा कि शुरुआत में जो ब्लर वाला इफेक्ट है, ठीक है, वो आपने कौन से ऐप में लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो यहाँ पे जो इफेक्ट लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है वो आपने लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे जूम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, जूम इन लगा देंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले पे एफएक्स पे आएंगे, लगा देंगे वाइट वाला, लेंथ रख देंगे 0.16 सेकंड, ठीक है, और ये ऊपर लेंथ फुल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वाली फ़ोटो में यहाँ पे लगाना है मूव लेफ्ट, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में मूव राइट, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में मूव डाउन, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में मूव अप, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में जूम आउट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाली फ़ोटो में जूम इन, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में जूम आउट, फिर नेक्स्ट वाली फ़ोटो में जूम आउट, और इसी में दोस्तों एक और लगा देना है एफएक्स पे क्लिक करके, जिटल अप, लेंथ रख देनी हाफ, ठीक है। इस टाइप से करने का दोस्तों क्या करना आप लोगों ने, तो इसमें आपने लगा देना जो सेकंड वाला प्लस वाला आइकन वाला लगा देना लाइट वाला, ठीक है, लेंथ 0, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला वाइट वाला लेंथ 0.46 सेकंड, फिर लाइट वाला लगा देना लेंथ रख देना 0.40 सेकंड, फिर नेक्स्ट वाले में लाइट लगा देना 0.79 सेकंड, फिर नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं यहाँ पे तीन से तीन बार लगाना, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, लेंथ रख देना 0.80 सेकंड, फिर नेक्स्ट वाले में वाइट लगा देना ब्लैक वाला लेंथ रख देना 0.53 सेकंड, ठीक है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। और इसको दोस्तों क्या करना है, हमने क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, पूरी कंप्लीट तो दोस्तों नहीं हुई है बट इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको लेंथ बताया था बीट कितनी कितनी रखनी है आपने। फर्स्ट वाली बीट है 1.20 सेकंड, सेकंड वाली है 1.51 सेकंड, थर्ड वाली है 1.76 सेकंड, फोर्थ वाली है 2.06 सेकंड, फाइव वाली है 3.31 सेकंड, फाइव वाली है 2.59 सेकंड, सेवन वाली है 3.36 सेकंड, और जो एट वाली है वो 4.28 सेकंड, नाइन वाली बीट है 5.15 सेकंड, 10 वाली है 6.80 सेकंड, 11 वाली है 8.74 सेकंड, और जो 12 वाली है वो 10.09 सेकंड, और 13 वाली है 11.59 सेकंड, ठीक है। स्टेप्स आपने इसको लगा लेना है तो ये लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बीट को लगा के एक्सपोर्ट कर लेंगे फटाफट से। एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं एक्सपोर्ट लगभग हो चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम दोस्तों अब डाउनलोड करेंगे कैपकट है वो टर्बो वीपीएन, ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, दोनों को अपने आप डाउनलोड कर लेना है, बट उससे पहले अपने टर्बो वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है।
देख सकते हैं वीपीएन मैंने कनेक्ट कर लिया, ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वीपीएन कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, हम कैपकट ऐप को ओपन करेंगे इस तरीके से, कुछ स्टेप्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज बता दूँ, अगर वीपीएन को आप कनेक्ट नहीं करोगे तो ये कैपकट ऐप जो ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। न्यू पैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने वीडियो अभी एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, ये वाली जो बनाई है वहाँ पे हमने, इसको इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इतना करने का दोस्तों, यह करना हम आप लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ब्लर कहाँ तक है आप देख लेना, तो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कहाँ तक ब्लर है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक ये ब्लर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं, ये 1.2 सेकेंड है वो हाफ वाली, और यहाँ पे सेकंड वाली जो लेंथ है लास्ट वाली लेंथ 11.70 सेकेंड, ठीक है, 70 सेकेंड, 11.7 सेकेंड। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लर लगाएंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और बेसिक पे आएंगे, हेलो ब्लर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ तक हमने लगाना ब्लर, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लर लग जाएगा, ठीक है, बाकी ये आगे सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना करने का दोस्तों, यहाँ करना है इस पर क्लिक करना है, इसको बढ़ा देना है, इस पर क्लिक कर देना है, वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी होगी, तो बस वीडियो आप तो आज वीडियो आपको अच्छी तो आज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।